बैक टू माई चैनल कुकिंग विद शिखा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारी नई एक्साइटिंग रेसिपीज, सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे सारे रेसिपीज की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं शाही मलाई प्याज। इसका नाम जितना रॉयल है उतनी ही टेस्टी ये सब्जी बनकर तैयार होती है। प्याज सभी को पसंद होता है और उसे हम बनाएंगे बिल्कुल क्रीमी वाइट ग्रेवी में, जो सबको, बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है। तो एक बार इस तरीके से प्याज की सब्ज़ी बनाकर ट्राई करें, आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। मलाई प्याज बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना है प्याज को शैलो फ्राई। तो यहाँ पर मैंने लिए छोटे वाले प्याज, इन्हें इस तरीके से बीच में हमें क्रॉस कट करना है। पूरा कट नहीं करना है, इनका हाफ वे हमें इसे बस इस तरीके से कट करना है ताकि बाद में जब हम इसे ग्रेवी में सोक करें तो प्याज में अच्छे तरीके से पूरा ग्रेवी सोक हो जाए। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल लिया है। तेल गर्म हो जाने के बाद में हम उसमें ऐड करेंगे जीरा और थोड़ा सा शाही जीरा। शाही जीरा का स्मेल और फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। अगर नहीं हो तो आप सिर्फ जीरा भी ऐड कर सकते हैं, पर शाही जीरा ऐड करने से इस सब्ज़ी का स्मेल बहुत अच्छा होता है। जीरा अच्छे से चटकने के बाद में हम ऐड करेंगे इसमें सारे प्याज के पीसेस। सब में मैंने क्रॉस कट कर दिया है। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक जिससे कि प्याज अच्छे से कुक हो जाए। तो बस हल्के हाथ से इस तरीके से हम सारे अनियन पीसेस को शैलो फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे कवर करके इसी तरीके से कुक करना है। बीच बीच में इसे चला देंगे। तो अब प्याज बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। हल्का कुक होने के बाद ही हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। उसी बचे हुए ऑयल में हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो मैंने ऐड किया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन्हें हल्का सा मिक्स करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे काजू का पेस्ट। मैंने 20 से 25 पीस काजू को 3-4 घंटे पहले सोक करके रखा था, फिर उसका हमने पेस्ट बनाकर इसे ऐड किया है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसे अच्छे तरीके से कुक होने देंगे। ग्रेवी में ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, आप काली मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ग्रेवी अच्छे से कुक होने के बाद आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। आप घर की ताज़ा मलाई को भी फेंट कर इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसमें हमारे शैलो फ्राइड अनियन के पीसेस ऐड करेंगे। वाइट ग्रेवी है तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे तो उसका स्मेल बहुत अच्छा आएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें। और इसे कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके हम कुक करेंगे ताकि सारे प्याज के पीसेस में ग्रेवी अच्छे से सोक हो जाए। तो बस बहुत ही टेस्टी क्रीमी मलाई प्याज की सब्जी तैयार है। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी अच्छे से सोक हो चुकी है प्याज के पीसेस में। तो शाही मलाई प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। इसका नाम जितना अच्छा है और ये दिखने में जितनी अच्छी है उससे कहीं ज़्यादा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, ये टेस्ट में अच्छी बनती है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को पसंद आएगी, बिल्कुल नए तरह की डिश है। एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो अगर आपको ये पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।